हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा, आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसके एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिस्कल ईयर इज नोन एज। ऑप्शन ए बजट, ऑप्शन बी इनकम एस्टिमेट्स, ऑप्शन सी अकाउंट, ऑप्शन डी एक्सपेंडिचर। हिंदी में वो वार्षिक विवरण जिससे हमें ये पता चलता है कि आने वाले वित्त वर्ष में सरकार के अनुमानित आय और अनुमानित व्यय कितने हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्शन ए बजट, ऑप्शन बी आय का अनुमान, ऑप्शन सी खाते, ऑप्शन डी व्यय। तो जो सही आंसर है बेटा, वो सही आंसर है ऑप्शन ए बजट। ऑप्शन ए बजट। बजट इज द एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द इनकमिंग फिस्कल ईयर। तो सही ऑप्शन है बेटा ऑप्शन ए बजट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट रिसीट। ऑप्शन ए रेवेन्यू रिसीट्स, ऑप्शन बी कैपिटल रिसीट्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हिंदी में बजट प्राप्ति के इनमें से कौन से घटक हैं? ऑप्शन ए राजस्व प्राप्ति, ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है बेटा, वो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। गवर्नमेंट का जब हम लोग बजट बनाते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक रिसीट्स और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो रिसीट्स के दो कंपोनेंट बेटा, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट। तो जो सही जवाब है बेटा, वो आपका आंसर सी है बोथ ए एंड बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट। इनमें से बजट के कंपोनेंट यानी घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए बजट रिसीट्स, ऑप्शन बी बजट एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यानी बजट प्राप्ति, बजट व्यय, या फिर बोथ ए एंड बी, और इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है बेटा, वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। बजट के जो कंपोनेंट होते हैं, यानी जो हम बजट में स्टडी करते हैं बेटा, उसमें हम बजट रिसीट्स भी पढ़ते हैं और बजट एक्सपेंडिचर भी पढ़ते हैं। यानी हमें ये अनुमान लगाना पड़ता है कि आने वाले वित्त वर्ष में सरकार कहाँ कहाँ पे कितना खर्च करेगी और सरकार उन खर्च के लिए कहाँ कहाँ से कितनी आय प्राप्त करेगी। इसलिए बेटा बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर दोनों ही बजट के कंपोनेंट हैं। इसलिए जो सही आंसर है बेटा, वो है ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन बाय द बजट, कि सरकार बजट के द्वारा जो उद्देश्य प्राप्त करती है, इनमें से वो कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन ए टू प्रोम्प्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास, ऑप्शन बी बैलेंस रीजनल ग्रोथ यानी क्षेत्रीय विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास, ऑप्शन सी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय और धन का पुनः वितरण, और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, वह है ऑप्शन डी ऑल द अबव। थ्रू बजट गवर्नमेंट ट्राई टू अचीव ऑल दीज ऑब्जेक्टिव। बजट के द्वारा सरकार ये सभी उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, द प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन। यानी प्राथमिक घाटा सरकारी बजट में शून्य तब होता है जब। ऑप्शन ए
रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो जब राजस्व घाटा शून्य हो। ऑप्शन बी नेट इंटरेस्ट पेमेंट आर जीरो कुल ब्याज का भुगतान जीरो हो। ऑप्शन सी फिस्कल डेफिसिट इज जीरो यानी राजकोषीय घाटा शून्य हो। ऑप्शन डी फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट यानी राजकोषीय घाटा और ब्याज का भुगतान एक दूसरे के समान हो। तो इसके लिए बेटा आपको प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका आंसर शून्य कब आएगा? आंसर शून्य तब आएगा बेटा जब आपका आंसर ऑप्शन डी होगा यानी जब आपका फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर होगा तो आपका आंसर आएगा शून्य, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट इन दोनों का डिफरेंस है। तो इसलिए जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन डी। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग इज, गैर कर प्राप्ति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऑप्शन बी इंपोर्ट ड्यूटी, ऑप्शन सी डिविडेंड, ऑप्शन डी एक्साइज ड्यूटी यानी एक्साइज। तो इनमें से आपको बताना है कि कर के अलावा आय का कौन सा स्रोत है। तो पहला निर्यात कर, दूसरा आयात कर, तीसरा एक्साइज ड्यूटी या फिर डिविडेंड। तो यहाँ पे जो सही आंसर है बेटा वो सही आंसर है आपका डिविडेंड्स यानी लाभांश। डिविडेंड यानी लाभांश, ये सरकार को तब आय प्राप्त होती है बेटा जब सरकार किसी दूसरी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, वहाँ से सरकार को निवेश पर ये प्राप्त आय है। तो इसलिए जो सही आंसर है बेटा वो है आपका आंसर सी, आंसर सी यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग इज, यानी गैर कर आय या गैर कर प्राप्ति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी निर्यात कर, ऑप्शन बी इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात कर, ऑप्शन सी डिविडेंड यानी लाभांश और ऑप्शन डी एक्साइज। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी दैट इज डिविडेंड यानी लाभांश। लाभांश के अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट है बेटा वो सब कर से प्राप्त आय के कंपोनेंट हैं। तो इसलिए जो सही आंसर है बेटा वो है आपका डिविडेंड यानी के ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जिसको हिंदी में हम लाभांश कहते हैं। और ये आय सरकार को तब प्राप्त होती है जब सरकार अपना पैसा किसी दूसरी जगह निवेश करती है। तो ये निवेश से प्राप्त आय है बेटा, इसलिए ये कर से प्राप्त आय नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फी एंड डिविडेंड इज नोन एज, कि वो अमाउंट जो सरकार को प्राप्त होती है ब्याज के रूप में, फीस के रूप में या लाभांश के रूप में, उसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कर से प्राप्त आय, ऑप्शन बी कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन सी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स यानी गैर कर आय और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो आपका आंसर है ऑप्शन सी यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, क्योंकि ये सब कर के अलावा सरकार को जो अन्य स्रोतों से आय प्राप्त होती है उसके एग्जाम्पल हैं। तो आपका सही आंसर है बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड ऑफ अ फिस्कल ईयर, कि जो वित्तीय वर्ष है उसकी समय अवधि क्या होती है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल to 31 मार्च, ऑप्शन बी 1 जनवरी to 31 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 मार्च to 28 फरवरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इनमें जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन ए 1 अप्रैल to 31 मार्च, इसी को हम फिस्कल ईयर या फिर वित्त वर्ष
कहते हैं, जिसके लिए सरकार बजट का अनुमान लगाती है। तो अगर आपको ये याद ना आए तो आप याद रख सकते हैं कि आपका जो एकेडमिक सेशन होता है बेटा, वो भी 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। क्वेश्चन 9, डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, के प्रत्यक्ष कर को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से इकट्ठा किया जाता है। ऑप्शन ए, प्रोड्यूसर ओन गुड्स प्रोड्यूस, उस उत्पादक से जो वस्तुओं का उत्पादन करता है। ऑप्शन बी, द सेलर ओन गुड्स सोल्ड, सेलर से यानी विक्रेता से जब वो वस्तुओं को बेचता है। ऑप्शन सी, बायर ऑफ द गुड्स यानी वस्तुओं के क्रेता से। और ऑप्शन डी, द इनकम अर्नर या फिर आय कमाने वाले से। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वह है आपका ऑप्शन डी यानी इनकम अर्नर से। प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट कर उन्हीं लोगों पे लगाया जाता है बेटा जो आय कमाते हैं। इसमें हम कर का भार किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं टाल सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, यदि मैं 5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम कमाता हूँ या मैं किराए के रूप में आय कमाता हूँ, तो आय मैं कमा रहा हूँ तो कर का भुगतान भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए इनको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एज टैक्स एंड ड्यूटी इज नोन एज, कि भाई कर या ड्यूटी के रूप में जो अमाउंट सरकार कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, उसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए, कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजीगत प्राप्ति। ऑप्शन बी, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स यानी कर से प्राप्त आय। ऑप्शन सी, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स यानी गैर कर आय। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी यानी टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, क्योंकि ये सभी कर से प्राप्त आय हैं। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट्स कलेक्ट्स बाय वे ऑफ रेवेन्यू इट इनकर्स, जब सरकार के खर्चे सरकार की आय से ज़्यादा होते हैं तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए, बजट सरप्लस यानी बजट अधिक है। ऑप्शन बी, बजट डेफिसिट यानी बजट घाटा। ऑप्शन सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। और ऑप्शन डी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन बी यानी बजट डेफिसिट, यहाँ पर घाटा है, क्योंकि सरकार के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी अनुमानित खर्चे हैं ज़्यादा और सरकार की आय है कम। तो सही आंसर है बेटा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग, के सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो अंतर होता है सरकार की कुल व्यय और सरकार की कुल आय जिसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, इंटरेस्ट यानी के ब्याज। ऑप्शन बी, टैक्स यानी के कर। ऑप्शन सी, स्पेंडिंग यानी कुल खर्च। और ऑप्शन डी, बोरोइंग यानी उधारी। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो सही आंसर है ऑप्शन डी, बोरोइंग्स। ऑप्शन डी, बोरोइंग्स यानी जब सरकार के कुल व्यय सरकार की कुल आय से अधिक हो जाएं उधारी को छोड़कर, तो उसे हम कहते हैं बेटा राजकोषीय घाटा यानी के फिस्कल डेफिसिट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स आर देयर, यानी राजस्व प्राप्ति के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए, 2 यानी 2। ऑप्शन बी, 3 यानी के 3। ऑप्शन सी, 4 यानी 4। और ऑप्शन डी, 6 यानी 6। तो जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन ए, 2, क्योंकि जो रिसीट्स हैं बेटा वो दो तरीके की होती हैं, एक टैक्स रिसीट्स और दूसरा नॉन टैक्स रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स में दो रिसीट्स आती हैं, एक टैक्स रिसीट्स और दूसरा नॉन टैक्स रिसीट्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट इज, यानी उधारी जो है सरकारी बजट में होती है। ऑप्शन ए रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। ऑप्शन बी फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ऑप्शन सी प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। और ऑप्शन डी डेफिसिट इन टैक्स यानी करों में घाटा। तो जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन बी फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। एक्चुअल में हम लोग बोरोइंग्स जो हैं फिस्कल डेफिसिट को कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड। ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी कॉरपोरेट टैक्स, ऑप्शन सी एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यानी कर से प्राप्त आय में क्या क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी लाभ कर, ऑप्शन सी एक्साइज ड्यूटी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी कर हैं आपके, टैक्स हैं, तो इन सबको टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड किया जाता है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर में शामिल होता है। ऑप्शन ए इनकम टैक्स यानी आयकर, ऑप्शन बी गिफ्ट टैक्स यानी उपहार कर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और यानी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी एक्साइज ड्यूटी। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो सही आंसर है ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन बी वेट यानी वैल्यू एडिड टैक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी वेल्थ टैक्स। तो ऑप्शन ए एक्साइज ड्यूटी है, ऑप्शन बी है मूल्य वृद्धि कर, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी है धन पर लगाया गया कर। तो जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी, ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। जो वेल्थ टैक्स है बेटा वो डायरेक्ट टैक्स है, जिसकी वेल्थ है उसी पे वो कर लगाया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय, ऑप्शन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वह ऑप्शन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट असेट्स नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स, कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर में शामिल नहीं होता। ऑप्शन ए इनकम टैक्स यानी आयकर, ऑप्शन बी गिफ्ट टैक्स यानी के उपहार कर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये जो दोनों हैं ये बेटा डायरेक्ट के एग्जाम्पल हैं, ये डायरेक्ट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इसलिए सही आंसर है बेटा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ, राजस्व बजट बना होता है। ऑप्शन ए रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, ऑप्शन बी कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, ऑप्शन सी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
तो जो सही आंसर है बेटा वह है आपका ऑप्शन ए, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू बजट है तो उसमें अनुमान लगाया जाता है सरकार के रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ, पूंजीगत बजट बना होता है, ऑप्शन ए रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, ऑप्शन बी कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, ऑप्शन सी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन बी, वो है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें कैपिटल बजट है तो हमें कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन ए एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन बी जीएसटी, ऑप्शन सी कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ए एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन डी बी जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन सी आयात कर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये वो सभी कर हैं जिनका भार कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, इनमें से कौन सा खर्चा पुल के बनाने पर किया जाता है, ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय, क्योंकि ये सरकार के वो खर्चे हैं जो सरकार की संपत्ति को बढ़ाते हैं। तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज अ असेट्स फॉर द गवर्नमेंट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज, के इनमें से विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सही है, ऑप्शन ए डेफिसिट बजट यानी घाटे का बजट, ऑप्शन बी बैलेंस बजट यानी संतुलित बजट, ऑप्शन सी सरप्लस बजट यानी अधिकय का बजट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए यानी घाटे का बजट, जिसमें सरकार के खर्चे होते हैं ज़्यादा और सरकार की आय होती है कम, क्योंकि इस तरीके की अर्थव्यवस्था में सरकार विकास के लिए खर्च करती है ज़्यादा और सरकार लोगों के ऊपर करों का भार डालती है कम। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स, इनमें से डायरेक्ट टैक्स में कौन सा शामिल नहीं होगा, ऑप्शन ए इनकम टैक्स आयकर, ऑप्शन बी गिफ्ट टैक्स उपहार कर, ऑप्शन सी जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन डी प्रॉपर्टी टैक्स यानी संपत्ति कर। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वह है आपका ऑप्शन सी, वह है आपका ऑप्शन सी, जीएसटी बाय नेचर इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स गिफ्ट टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स उन्हीं को देना पड़ता है जिनको इससे फ़ायदा हुआ है, तो ये सब डायरेक्ट टैक्स हैं, जो जीएसटी है बेटा वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बेटा ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।